यकृत एवं पित्त संस्थान के इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अंदर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, इस संस्थान के चेयरमैन दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी, सचिव अमित सिंगला जी, इस विश्वविद्यालय के चेयरमैन वाइस चांसलर डायरेक्टर डॉक्टर एस के सरीन जी, डीन विजय कुमार जी, श्रीमती सौम्या स्वामीनाथन जी, मोहम्मद जेला जी, नागेश्वर रेड्डी जी, इस विश्वविद्यालय और इस संस्थान के सभी प्रोफेसर डॉक्टर्स डीन अतिथिगण विद्यार्थी साथियों, आज इस दीक्षांत समारोह में मैं उन सभी उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने विश्व का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय जो यकृत एवं पित्त पर लीवर पर जिन्होंने एक प्रतिष्ठा बनाई है, देश के अंदर बनाई है, विश्व के अंदर प्रतिष्ठा बनाई है, आज उस संस्थान से आप अध्ययन शोध और क्लिनिक रूप से भी उपचार भी की एक प्रशिक्षण शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप देश और राष्ट्र की सेवा के लिए निकले हैं। आज आपके माता पिता और वो सभी डीन शिक्षक जिन्होंने आपको शिक्षा दी, वह भी अति प्रसन्न है कि आपने एक ऐसे विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की है जिसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। लीवर प्रत्यारोपण हो या लीवर की संबंधी बीमारी हो, इसके लिए इस संस्थान की प्रतिष्ठा भारत के गांव ढाणी शहर तक है और मुझे खुशी है कि संस्थान के डायरेक्टर एस के सरीन जी ने, जो केवल बीमारी होने के बाद इलाज नहीं करते, वो लीवर के संबंधित हेपेटाइटिस की संबंधित बीमारियों के रोकथाम के लिए, उसकी जागरूकता के लिए जन जन तक किस तरीके से हम हेपेटाइटिस को रोक सकते हैं, लीवर की संबंधी बीमारियों को रोक सकते हैं, एक बड़े समर्पण के साथ काम करते हैं और हमें खुशी है कि हमारे बीच में जिन्होंने एक ऐसे साइंटिस्ट के रूप में भारत का नाम पूरे विश्व में किया है, जिन्होंने WHO के अंदर अपने रिसर्च से, अपने शोध से एक ख्याति प्राप्त की है, वह श्रीमती सौम्या स्वामीनाथन भी हमारे बीच में है। और इसी तरीके से लीवर ट्रांसप्लांट के रूप में, सर्जन के रूप में मोहम्मद रेला जी का नाम
पूरे देश में प्रतिष्ठा के रूप में लिया जाता है। गैस्ट्रोनोलॉजी के रूप में डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी, इनका सानिध्य भी हमें मिलता है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से हमारी जीवन शैली, हमारे खान पान, अपने रहन सहन के कारण लीवर की बीमारियां लगातार गांव ढाड़ी तक तेजी से फैल रही है, और जिस तरीके का संक्रमण के वायरस लगातार नए नए वायरस आ रहे हैं, जो केवल भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर उस वायरस के कारण जिनकी जानकारी कई दिनों तक महीनों तक दुनिया रिसर्च करने के बाद भी उनकी वायरस के ठीक से इलाज करने की जानकारी नहीं मिलती, तो बीमारियां भी हमारी कहीं ना कहीं नए नए रूप में आ रही हैं। और इसीलिए हमें भी जिस तरीके से बीमारियों का बदलता स्वरूप है, उसी तरीके से हमारी तकनीकी का भी उपयोग हो और हमारे रिसर्च की दिशा भी और बढ़े। मुझे खुशी है कि संस्थान एक ऐसी संस्थान है जहां शिक्षा के रूप में शिक्षा भी दी जाती है, ताकि शिक्षा के ज्ञान से वह जीवन जीने की रही बा बना सके। इसी संस्थान में रिसर्च, नए इनोवेशन भी होते हैं, और इसी विश्वविद्यालय और इस संस्थान के अंदर मरीजों का उपचार भी होता है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर शिक्षा, रिसर्च और उपचार, ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे संस्थान देश में बहुत कम है। और हमारी चिंता यह है कि हमें इन बदलते स्वरूपों के अंदर, बदलती बीमारियों के संक्रमण के कारण हमारी रिसर्च को, हमें हमारे नए इनोवेशन को हमें उसी तरीके से तेजी से काम करना पड़ेगा। मुझे खुशी है भारत का नौजवान जो बौद्धिक क्षमता से नए इनोवेशन, नए रिसर्च के अंदर भारत में भी दुनिया के अंदर भी काम कर रहा है, और एक बेहतर इनोवेशन रिसर्च के माध्यम से उन चुनौतियों का समाधान भी दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर सरीन यूएस गए थे, और उन्होंने जो लीवर के अंदर जो अपने रिसर्च, जो अपने नए इनोवेशन उन दुनिया के अंदर प्रतिष्ठित डॉक्टरों के सामने रखे, तो वह इनके पेपर्स को देखकर लगे कि कितनी तेजी से भारत के अंदर रिसर्च इनोवेशन के अंदर काम हो रहा है। ऐसे प्रतिष्ठित डॉक्टर भारत के अंदर हैं, और मैं मेरे सामने जो इन नौजवानों को देख रहा हूं, जो सेवा, समर्पण, मानवीय संवेदना के साथ इस संस्थान से निकले हैं, वह भी इसी तरीके से भारत में, दुनिया के अंदर अपने नए रिसर्च से, नए इनोवेशन से और उपचार की सर्वश्रेष्ठ पद्धति से वह ख्याति प्राप्त करेंगे। क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट एक बहुत गंभीर चुनौती हमारे सामने है, और इसीलिए क्योंकि जनजागरूकता का अभाव है, इस देश में 2 लाख से ज्यादा लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, लेकिन वह अभी संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने काफी कुछ बदलाव करते करते भी इतनी बड़ी आबादी में जनजागरण करना,
लोगों को व्यक्ति को समझना समझाना, अंगदान करने के लिए प्रेरित करना, अंगदान के लिए बैंकिंग की तरह अंगदान फैसिलिटी हो, और हमारे संस्कार और संस्कृति तो सेवा की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पुरानी मान्यताएं भी इस अंगदान के बीच में अवरोधक है। लेकिन समाज को हम जब ये जानकारी देंगे कि आपके अंगदान से किसी की जिंदगी को बदला जा सकता है, किसी को जिंदगी दी जा सकती है, तो मुझे लगता है वो समय बहुत जल्दी आएगा जब अंग प्रत्यारोपण के बारे में हमारे रिसर्च, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर भी परिवर्तन आया है, और अंगदान देने के लिए भी एक देश में व्यापक अभियान चलेगा, ताकि हम सब लोग ऐसी गंभीर बीमारियों का, जिसके अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से उसके जीवन को जीने का सर्वश्रेष्ठ साधन दे सकते हैं, उसके लिए व्यापक रूप से जागरूकता होगी। और इसीलिए आईएलबीएस संस्थान की इसमें विशेष रूप से भागीदारी है। मुझे खुशी है कि लगातार आईएलबीएस संस्थान में अभी तक 888 लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, बड़ी संख्या में किडनी ट्रांसप्लांट भी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक सामाजिक रूप से भी हमें बीमारी होने के रोकने के इंतजामों के लिए ही एक व्यापक जनजागरण करना पड़ेगा। डॉक्टर सरीन संसद में भी आते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी बताते हैं लीवर, लीवर के बारे में होने कारण और लीवर की बीमारियों से बचने के उपाय, क्योंकि जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की इतनी जिम्मेदारी है, चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगरपालिका हो, पंचायत हो, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों को भी वर्तमान बीमारियां और भविष्य की बीमारियों की जानकारी होना चाहिए, ताकि हम बेहतर उपचार भी कर सकें और बीमारी को रोक भी सकें। सरकार ने भी पहले कोई समय था कि सरकार केवल बीमारियों के होने के बाद रिसर्च करती थी, नए इनोवेशन करती थी, अब सरकार ने भी उस दिशा को परिवर्तन किया है। जितना बीमारी या बीमारी के बाद अनुसंधान में धन खर्च किया जाता है, उतना ही सरकार ने प्लान बनाया कि बीमारी होने के कारणों पर भी अनुसंधान किया जाए, उस पर भी रिसर्च किया जाए, ताकि हम बीमारी को रोकथाम कर सकें। इसके लिए भी एक सकारात्मक दिशा सरकार की बनी है, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो विजन है हेल्थ फॉर ऑल, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कैसे बेहतर इलाज मिल सकता हो सकता है। इसीलिए गांव ढाणी से लेकर और देश के बड़े संस्थानों का नेटवर्क रहे, टेलीमेडिसिन परामर्श रिसर्च हर गांव के अंदर तकनीकी का विस्तार हुआ है, हर गांव के अंदर गांव को डिजिटल करने की कार्य योजना चलाई जा रही है, ताकि गांव के अंदर बैठा व्यक्ति उच्च संस्थानों से परामर्श कर एक बेहतरीन इलाज हो सके और बेहतरीन सुविधा हो सके। क्योंकि सरकार तेजी से काम कर रही है, कोई समय था कि 6 एम्स 7 एम्स हुए थे, अब 21-22 एम्स हैं, मेडिकल कॉलेज भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जितनी जनसंख्या है उतनी डॉक्टर मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अभी हमें 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं के लिए भी आज वर्तमान में सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं की बहुत महती आवश्यकता है, क्योंकि अब तो सुपर स्पेशलिस्ट कहाँ पहुँच गई, एक आँख दूसरी आँख, एक हाथ दूसरा हाथ, एक पे, यहाँ तक भी
सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं में डॉक्टर्स हैं, तो हमें उसी तेजी से काम करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि ये संस्थान ने जो नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे संस्थान देश में और बनेंगे और हमारे प्रतिष्ठित डॉक्टर इसी तरीके संस्थानों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान भी निकालेंगे और बीमारी होने के पहले होने के कारण उसके लिए डॉक्टर सरीन जैसे प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत प्रयास करते हैं। मतलब कई बार मुझे व्यक्तिगत केवल एक ही काम के लिए मिले कि किस तरीके से देश की जितनी भी डेमोक्रेटिक संस्था हैं वहां तक लीवर लीवर की संबंधी बीमारियां होने के कारण इन सब की समझ जनप्रतिनिधि हो जाए और समाज के अंतिम व्यक्ति तक संदेश पहुंच जाए, तो हम लीवर की होने वाली बीमारियों को काफी रोक सकते हैं। अगर हो भी जाए तो उसको कहीं अछूत न समझे, इसके लिए उनका अभियान सार्थक है और उसके बेहतर परिणाम एक दिन आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।